आज हम क्लास थर्ड की संतूर बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मधुज विश, मतलब मधु की इच्छा। ठीक है, मधु लव्ड फूड। मधु जो था वो खाने को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करता था। ही ऑलवेज वांटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। और वो क्या करता था, अलग अलग तरह के खाने और स्नैक्स को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह खाने की और स्नैक्स खाने की इच्छा रखता था। ठीक है, ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। और वो कभी भी खाने से नहीं थकता था। एवर डे एट नून ही वुड सिट अंडर अ बनियन ट्री एंड इट हीज लंच। वो हर दिन क्या करता था, दिन में इस बनियन ट्री के नीचे बैठ के और क्या करता था, अपना लंच खाया करता था। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज ईटिंग, जब वो खाना खा रहा था, तो एन ओल्ड मैन केम। तो जो एक बूढ़ा व्यक्ति है वो उसके पास आता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया ये मधु है और ये बूढ़ा व्यक्ति जो है वो इसके पास आता है, ठीक है, जब ये खाना खा रहा होता है, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। मधु को उसके लिए बुरा लगता है और वो क्या करता है, अपना जो फूड है वो इस ओल्ड मैन को दे देता है, उसके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेता है। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट एज ही वॉज लिविंग ही सैड माई चाइल्ड। जो बूढ़ा व्यक्ति था, ये जो बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या हो जाता है, बड़ा ही खुश हो जाता है, ठीक है, और उसको जाते हुए कहता है कि ही सैड माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड, तुम बहुत ही दयालु हो मेरे चाइल्ड, यानी मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनी थिंग फ्रॉम दिस ट्री। और तुम इस ट्री से जो भी कुछ मांगोगे, इट विल बी गारंटीड, वो तुम्हें मिल जाएगा। गारंटीड मतलब मिल जाना। तो इस ट्री से जो भी तुम कुछ भी मांगोगे, जो भी तुम्हारी इच्छा है, वो तुम्हें इस ट्री से मिल जाएगी। ठीक है, मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। मधु जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ। अब तुम क्या सोचते हो कि मधु अब क्या करेगा, तो देखते हैं आगे मधु क्या करता है। ही थॉट, वह सोचता है, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मैं अलग अलग तरह के लिए पूछ सकता हूँ, अलग अलग तरह के फूड्स के लिए पूछ सकता हूँ एंड इन्जॉय देम फॉर एवर। और फिर मैं क्या करूँगा, हमेशा इन्जॉय करूँगा उनसे। ही सेट देयर एंड क्लोजिंग हिज आइज सेड। और वो इस बनियन ट्री के नीचे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करता है। ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड नथिंग एल्स। और इस बनियन ट्री से कहता है कि ओ ट्री मुझे अलग अलग तरह के फूड्स दे दो और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री। और वो ट्री से एक आवाज़ सुनता है, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, थिंक इट ओवर, एक बार फिर से सोच लो। विदाउट थिंकिंग मधु सेड नथिंग एल्स। बिना सोचे समझे जो मधु था वो कह देता है कि नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज। तो पहले उसने किसके लिए बोला, लड्डूज के लिए बोला। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड।
तो लड्डू से भरी हुई जो बास्केट थी वो उसके सामने आ जाती है। अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, ठीक है। तो इस तरह से लड्डू से भरी हुई बास्केट उसके सामने आ जाती है तुरंत ही, एट वंस यानी तुरंत, ठीक है। तो तुरंत ही उसके सामने क्या आ जाती है, बास्केट आ जाती है लड्डू से भरी। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब तुम क्या सोचते हो कि अब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा आगे देखते हैं। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, वो बड़े ही खुश होकर क्या करने लग गया, खाने लग गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ही गॉट बोर्ड, और कुछ समय बाद वो उससे बोर हो गया। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, तो फिर उसके दिमाग में क्या है, उसने क्या सोचा कि भाई अब क्या चीज़ उसको चाहिए, कलरफुल फ्रूट्स चाहिए, ठीक है। इमीडिएटली फ्रूट इन बास्केट अपीयर्ड, तुरंत ही फ्रूट से भरी हुई जो बास्केट थी वो क्या हो गई, प्रकट हो गई, अपीयर्ड यानी प्रकट हो गई, जैसे ये इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ही स्टार्टेड ईटिंग देम, और वह क्या करने लग गया, उनको खाने लग गया। देयर वर ग्रेप्स, इसमें ग्रेप्स थे, मैंगोज थे, एप्पल्स थी, ठीक है, और क्या थे, बनानास भी थे, जैक फ्रूट थे, वाटरमेलन थे, ठीक है, और गवावा भी थे, ठीक है, ऑरेंज भी थे, और मैनी मोर फ्रूट्स, तरह तरह के और भी अलग अलग तरह के क्या थे, फ्रूट्स थे, फ्रूट्स यानी फल थे। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, अब वो क्या करता है, फ्रूट्स खाने से भी बोर हो जाता है, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर सैवरेज, अब वो किसके लिए बोलता है, सैवरेज, सैवरेज का मतलब होता है नमकीन, अब उसका कुछ नमकीन खाने का मन होता है, पहले उसने मीठा खाया, फिर उसने कुछ जूसी फ्रूट्स वगैरह खाए, अब उसका कैसा मन हो गया, नमकीन खाने का, ठीक है। इमीडिएटली सैवरेज, लाइक तुरंत ही जो नमकीन चीज़ें थी वो उसके सामने आ जाती है, जैसे कि समोसा हो गया, ठीक है, कचौरी हो गई, पोटैटो चिप्स हो गई, मतरी हो गई, एंड वड़ा। अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट, जैसे कि इस बास्केट में दिख रहा है, तो एक बड़ी सी बास्केट में उसके सामने आ जाती है मठरी, दिस इज़ कॉल्ड मठरी, ओके। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम, तो वो क्या करता है, उन सबको बड़े ही खुशी से खाने लग जाता है। एज ही वॉज ईटिंग, अब जैसे ही वो खा रहा था तो ही सडनली गॉट हिकप्स, हिकप्स मतलब हिचकी आना, ठीक है, तो उसको अचानक से क्या आ जाती है, हिचकी आ जाती है। ही वॉन्टेड वाटर, अब उसको पानी की इच्छा होती है। ही लुक्ड अराउंड, वो आसपास देखता है, देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, आसपास तो क्या होता है, फूड होता है हर जगह, लेकिन पानी नहीं होता। ही आस्क्ड फॉर वाटर, और वो पानी के लिए बोलता है, बट द ट्री सेड यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर, तो ट्री ने तो पहले ही कहा था कि तुम एक बार फिर सोच लो कि तुम्हें कुछ और चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन इसने ही, मधु ने ही क्या किया था, मना किया था। तो जब वो उसको पानी के लिए कहता है तो ट्री कहता है कि यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुमने तो सिर्फ फूड ही मांगा था, पानी तो मांगा ही नहीं। सो व्हाट इफ़ आई डोंट गेट वाटर, तो अगर पानी नहीं होगा तो क्या किया जा सकता है, आई विल हैव अ शरबत, खीर, बादाम मिल्क, ठीक है। तो वो सोचता है कि भाई शरबत, खीर और बादाम मिल्क, इनसे भी शायद उसकी प्यास बुझ जाए, है ना। माई थर्स्ट थॉट मधु, मधु ऐसा सोचता है, पानी तो उसे मिलेगा नहीं, लेकिन शरबत, खीर, बादाम, मिल्क जो है
क्या पता इससे उसकी प्यास बुझ जाए, तो वो ऐसा सोचता है। सून ऑल दीज अपियर्ड इन जग, तो जल्दी ही ये भी उसके सामने प्रकट हो जाता है एक जग में, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। मधु ड्रैंक देम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। मधु जो होता है वो पीता है इसको, लेकिन उसकी जो हिचकियाँ हैं वो बंद नहीं होती। दे बिकम लाउडर, वो और ज़्यादा तेज हो जाती है, और बढ़ जाती है। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, अब वो पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यासा हो जाता है। ठीक है, डेस्परेट मतलब प्यासा होना, बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, प्यास लगना। तो पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा अब क्या हो जाता है, प्यास लगती है उसको, प्यासा हो जाता है। ही प्रेड टू द ट्री, अब वो ट्री से कहता है मे ऑल दिस फूड डिसअपियर, ये जो जितना भी फूड है, जितना भी ये खाना है, इसको डिसअपियर कर दो, मतलब अदृश्य कर दो, मतलब तुम वापस ले लो, ठीक है। और एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, और इसकी जगह मुझे क्या दे दो, पानी दे दो, ठीक है। आर यू श्योर, अब ये मधु जो है ये कहता है, नहीं सॉरी मधु नहीं, ट्री कहता है कि क्या तुम श्योर हो। द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, हाँ तो ट्री से आवाज़ आती है, ठीक है, कि भाई तुम श्योर हो। यस आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मधु कहता है। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे पता चल गया कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, मतलब हम पानी के अलावा अगर कोई और ड्रिंक पीते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझती है। जो पानी का काम है वो पानी ही कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, तो वो ट्री से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लीज़ पानी दे दो केवल। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, फिर उसके सामने एक जग आ जाता है, ये प्रकट हो जाता है जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ जग आ जाता है उसके सामने, प्रकट हो जाता है। थर्स्टी, जो प्यासा मधु था, मधु ड्रैंक एज टू ही हैड नेवर सीन वाटर, तो मधु ने जो है वो पानी पी लिया फटाफट से। हीज हिकअप स्टॉप्ड, ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, ठीक है, तो फिर उसकी जो हिचकियाँ थी वो भी क्या होती हैं, रुक जाती हैं, और अब वो प्यासा नहीं था। तो पानी पीने के बाद उसकी हिचकियाँ रुक गई, तो अब उसकी प्यास भी बुझ जाती है। तो जो ये पोयम, जो ये स्टोरी थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू। और ये किसकी स्टोरी है, ये है सुधा मूर्ति की, ठीक है, थैंक्स।